हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट आपने कर दी होगी एग्ज़ाम के बाद। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च मेथड। ये टॉपिक इस पर एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो आगे उम्मीद है कि इस पे आपके डिटेल्ड क्वेश्चंस आएँ और उसके साथ साथ इसको आपको डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आखिर में रिसर्च मेथड आखिर में होता क्या है और किस तरीके से इसको हम अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। डिडक्टिव वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके की डिडक्टिव रीजनिंग भी आपने की हुई है, डिडक्टिव रिसर्च के बारे में भी आपको पता है। अब ये आखिर में हाइपोथेटिको डिडक्टिव होता क्या है, ठीक है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, इसको किस तरीके से हम समझ सकते हैं, तो आपने बहुत सारे सोर्सेज में देखा होगा। अगर आपने कभी गूगल भी करने कोशिश की होगी तो ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि आपको इस टॉपिक को, जैसे कि मैं हमेशा करते आई हूँ, बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च मेथड के बारे में चलिए सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो सबसे पहले जो हमें समझने वाली बात है वो ये है कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है और एग्ज़ाम में आपका और क्या चीज़ पूछी जा सकती है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड जो है इसको हम HD मेथड भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे आपको HD लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पता है कि नेट में क्या होता है, या कोई भी अगर हम रिसर्च एग्जाम की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स डाल देते हैं ताकि वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो या फिर आपका वहाँ पे जजमेंट वो आपको जज कर सके, आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो वहाँ पे ये जज कर सकें। तो अगर कहीं पे भी HD मेथड के बारे में पूछा है तो वहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड ही होगा। तो बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, देखिए ये भी आपका ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप रिसर्च को फ्रेम करते हैं, जिसके थ्रू आप कंक्लूजन निकालते हैं या हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं। अब ये जो मेथड है ये बेसिकली यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं इस मेथड को अप्लाई, हम साइंटिफिक थ्योरी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेथड को इसको अप्लाई हम कर रहे हैं। जैसे बेसिकली मान लीजिए किसी रिसर्च के लिए आप कोई साइंटिफिक थ्योरी बना रहे हैं तो उस साइंटिफिक थ्योरी को बनाने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक मेथड आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट्स को ऑप्टेन करते हैं। किस तरीके के रिजल्ट को ऑप्टेन करेंगे और किस तरीके से ऑप्टेन करेंगे, तो जो हमारा मेथड होगा वो क्या होगा, यहाँ पर वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन हो सकता है, या फिर इन्फ्रेंस के थ्रू भी वो हमारा जो रिजल्ट है उसको हम ऑप्टेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ और क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं फर्दर इफेक्ट्स को, ठीक है, कि आगे और क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई सीरीज़ है, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसकी एक सीरीज़ है, एक पैटर्न है, वो फॉलो हो रहा है, तो अगर आपने इन पैटर्न को एनालाइज कर लिया, आपको पता चल गया कि कौन से पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आगे कौन से पैटर्न फॉलो होने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रिडिक्ट करते हैं फर्दर इफ़ेक्ट्स को, और उसके साथ साथ हम ये भी मानने की कोशिश करते हैं, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनको हम किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं या डिसप्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी आप फ्यूचर जो फर्दर इफ़ेक्ट्स हैं या फ्यूचर जो इवेंट्स हैं उनको आप देखते हो, उनको आप प्रिडिक्ट करते हो, तो आइदर दे विल बी ट्रू और दे विल बी फॉल्स, या वो वेरीफाइड होंगे या डिसअप्रूव होंगे, या तो आपका जो कैलकुलेशन है वो सही होगा या फिर आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसमें करते हैं, मतलब हाँ आगे भी प्रिडिक्शन करते हैं और वो आपका वेरीफाइड होता है या फिर डिसअप्रूव होता है। अब किस बेसिस पे वो वेरीफाइड होगा या फिर डिसअप्रूव होगा, वो आपका वेरीफाइड होगा या डिसअप्रूव होगा एम्पेरिकल एविडेंस पे, और ये एम्पेरिकल एविडेंस कहाँ से डिराइव होंगे, ये आपके अदर एक्सपेरिमेंट से डिराइव होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कोई एक्सपेरिमेंट है वो आप कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपने हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया है, तो इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया, इन्फ्रेंस किया, और उसके साथ साथ आपने प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में किस तरीके के आउटकम आने वाले हैं। अब ये आउटकम सही होंगे या गलत होंगे, इस चीज़ को हम ट्रू कैसे मानेंगे या इस चीज़ को हम कैसे जज करेंगे, इस चीज़ को हम जज करेंगे किसी अदर रिसर्च से, या तो वो अदर रिसर्च हम पैरेलली कर रहे हैं
या फिर वो अदर रिसर्च हमने पहले कर रखी है या किसी और ने कर रखी है या फिर वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड है, उसके साथ उसके जो एविडेंस होंगे, एम्पेरिकल एविडेंस होंगे, साइंटिफिक एविडेंस होंगे, उनके थ्रू हम इनको जज करेंगे, उनके थ्रू हम इनको मेजर करेंगे। तो इस तरीके से आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप ये बहुत ही, मतलब मैंने इसको बेसिक तरीके से समझाया है, ये बहुत ही बेसिक इसकी मीनिंग है। अगर आप इतना समझ लेते हैं तो आप इजीली इसका जो मेन रीज़न है, जो मेन प्रोसेस है, वो आप समझ पाएंगे। तो ये क्या है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड इज एन अप्रोच टू रिसर्च दैट बिगिंस विद अ थ्योरी अबाउट हाउ थिंग्स वर्क एंड डिराइव टेस्टेबल हाइपोथेसिस फ्रॉम इट। तो सबसे पहले जब हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड करते हैं तो हमें हमेशा ये मानने की कोशिश करते हैं या उन पर्टिकुलर रिसर्च में हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हमें ये जानना होता है कि आखिर में कोई चीज़ कैसे काम कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई पर्टिकुलर सीरीज ऑफ स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं और हम आगे का प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हमारी थ्योरी है उसको बनाते हुए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि चीज़ें कैसे काम करी और किस तरीके से इसमें से हम हाइपोथेसिस को डिराइव कर सकते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला हाइपोथेटिको डिडक्टिव, ये जो वर्ड ही आया है यही आपका डिडक्टिव रीजनिंग से वर्ड आया है, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या करें, यहाँ पर भी हम अपने अजम्पशंस, अपने आइडियाज से, जनरल प्रिंसिपल्स से, इन्फ्रेंसेस से चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को निकाल रहे हैं उसमें से। ठीक है, दैट वर्क्स फ्रॉम देम टू मोर पर्टिकुलर स्टेटमेंट अबाउट वॉट वर्ड एक्चुअली लुक्स लाइक एंड हाउ इट वर्क्स। तो हमें पता है डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, हम जनरल टू इंडिविजुअल की तरफ मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम बड़े चीज़ों की तरफ से छोटी चीज़ों की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब जो हमारा अजम्पशन है उनको हम मानते हुए जो रियल में हाउ इट वर्क्स उसकी तरफ हम यहाँ पर जा रहे हैं। द हाइपोथेसिस दैट आर देन टेस्टेड बाई गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा एंड द थ्योरी इज देन आइदर सपोर्टेड और रिफ्यूज बाय द रिजल्ट। जो भी आप हाइपोथेसिस को गैदर करोगे, ठीक है, उसके बाद वो आइदर वो थ्योरी को आपके सपोर्ट करेगा या रिफ्यूज करेगा, ये हमारा एंड रिजल्ट होगा हाइपोथेसिस हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड का। तो ये आपका बेसिक मीनिंग है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड का। अगेन इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि आप प्रोसेस फॉलो होती है, किस तरीके से करते हैं, क्या डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाएंगे और उन पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीज़ें हम पेड क्लास में करेंगे। अगर आप पेड क्लास के सब्सक्राइबर हैं तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने पिछले साल लिया था पेड क्लास, अभी आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप रिन्यू कर सकते हैं, बहुत ही छोटी सी फ़ी है उसकी, उसके थ्रू आप इसको रिन्यू कर सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन को। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो क्लास होगी आपकी, जो आपकी ये लेंथी क्लास होगी और ये पूरा सारा टॉपिक आपका कवर्ड होगा, वो सिर्फ पेड क्लास में होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।